नमस्ते। जिस किसी व्यक्ति का वजन बढ़ने लग गया, वो सोचता है कि मैं अभी कसरत शुरू करूंगा या करूंगी। कसरत की शुरुआत हमेशा चलने से करनी चाहिए, मगर चलने के भी कोई नियम है। चलना ये एक एक्टिविटी है, ये कोई कसरत का प्रकार नहीं है। इसीलिए आप जो कसरत करते हो, समझो कि आप एक घंटा कसरत करते हो, उसमें अगर आधा घंटा चलते हो, तो आप जब आपके डॉक्टर की सलाह लेने जाओगे या किसी भी तज्ञ व्यक्ति की सलाह लेने जाओगे वजन कम करने के लिए, तो उनको आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं आधा घंटा कसरत करती हूँ और आधा घंटा चलती हूँ। चलने को हम डॉक्टर लोग कसरत के अंदर नहीं पकड़ते, उसको एक्टिविटी में पकड़ते हैं। मगर एक्टिविटी होना भी ज़रूरी है। एक्टिविटी के अलावा अपना पचन ठीक तरीके से नहीं होता है, अपना जो रक्ताभिसरण है, मतलब खून हर जगह में ठीक तरह से पहुंचना, ये अपने चलने की वजह से होता है, मगर उसको एक कसरत के प्रकार में हम लोग नहीं पकड़ते। तो फिर अभी इसका महत्व क्या है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ज़रूर करना चाहिए जिन लोगों ने अभी अभी वजन कम करने की शुरुआत की है। वजन जब कम करने की शुरुआत करते हैं, कभी भी मत दौड़ो, क्योंकि वजन ज्यादा है तो घुटने पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है। इसीलिए पहला चलना शुरू करना। चलने से क्या होता है, सुबह उठने की आदत पड़ जाती है। सुबह उठ के हम अपनी कसरत चालू करेंगे, जिम में जाएंगे या योगा करेंगे, ये सब सारी चीजें हम शुरू कर सकते हैं। और वो करने के बाद हमारे में एक तरीके का मोटिवेशन आ जाता है, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें करना शुरू करते हैं। चलते वक्त भी अपने को ये देखना चाहिए कि हमारे पाँव कैसे पड़ रहे हैं। अगर बाहर की तरफ पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से अपनी कमर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, कमर में दर्द हो सकता है। इसीलिए पाँव कैसे डाले, एक के पीछे एक डाल के चले, जिसकी वजह से अपनी कमर पे कोई ज़्यादा टेंशन या जोर नहीं आएगा। तो चलने के भी वीडियो YouTube पर बहुत सारे हैं, उसको देखे, सोचे समझे चलना, फिर वजन कम होने के बाद कोई योगासन या जिम ज्वाइन करें, जिसकी वजह से आपका वजन कम हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये हमें कहना मत भूलना। अगर हमारा वीडियो चैनल YouTube चैनल सुप्रजा का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम उनके जवाब ज़रूर देंगे। नमस्ते।